वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने शॉपिंग करी है 40,000 रुपीस के शूज की। क्या बोला तूने? तो ये मैंने पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किसके लिए क्या क्या लिया है। तो स्टे ट्यून विद मी। तो ये शूज मैंने अपने पापा के लिए लिए हैं, तो इसमें मैंने ग्रीन कलर चूज करा है क्योंकि पापा के पास एक ग्रे और ब्लैक दूसरे ब्रांड में था ऑलरेडी, तो उनको कुछ अलग कलर चाहिए था, तो उसमें हमने ये ग्रीन कलर लिया है। साथ में उसमें ये स्ट्रिप्स हैं जो कि रेड ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसकी डिटेल्स बता देती हूँ आपको। और श्रेय मस्ती कर रहा है पीछे, वो भी दिखाना चाहता है आपको कि हम क्या ले गए, क्योंकि वो हमारे साथ गया था शॉपिंग करने। उसने दूसरा डब्बा भी खोल लिया, लेकिन पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। तो ये इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 5499 है, बट ये हमको फैक्ट्री आउटलेट से पड़े 2500 के, और अगर आप ऑनलाइन लोगे तो मे बी आपको 55% डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन हमको फैक्ट्री आउटलेट पे हमने काफी सारे शूज लिए हैं तो हमें 60% डिस्काउंट मिल गया। अगर आपके नियर बाय कोई हो तो आप वहां से जाके ले सकते हो, वरना मैं इन सबके लिंक्स आपको दे दूंगी। डायरेक्ट आप वहां जाके भी शॉप कर सकते हो क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एज यू नो प्यूमा है, ब्रांड है, तो अच्छा ही है। बाकी मैं आपको और दिखाती हूँ मैंने और किसके लिए क्या लिया है। तो सेकेंड पेयर ऑफ शूज जो मैंने लिए हैं वो अपने भाई के लिए लिए हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों को कॉल करके पूछ लिया था कि उनको क्या पसंद आएंगे, उनके पास कौन से कलर है या नहीं। तो मेरे भाई को भी स्पोर्ट्स शूज में चाहिए थे और उसको व्हाइट कलर चाहिए थे, तो हमको सबसे अच्छा क्योंकि प्लेन व्हाइट अब इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें ब्लू और नियॉन का हिंट है, तो ये काफी कूल लग रहे हैं, मतलब किसी भी उसके ड्रेस कोड के साथ जा सकते हैं। तो अगर आप इसका ओवरऑल लुक देखें तो ये काफी प्रीमियम लग रहा है। पीछे का सोल भी इसका काफी अच्छा है और इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी है, तो आप ये भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वरना फैक्ट्री आउटलेट पे आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो 6999 था, मतलब 7000 के थे, तो ये अप्रोक्स हमको 2800 के पड़े थे, आई थिंक 60% में, वरना मैं आपको यहाँ पे लिख के एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगी क्योंकि मुझे शायद हो सकता है मैं गड़बड़ कर दूं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, बाकी मैं आपको लिंक तो प्रोवाइड कर ही दूंगी। तो ये जो थर्ड शूज है ये है मेरी भाभी के लिए, क्योंकि उनको ना कुछ ऐसा चाहिए था कि वो कुर्ते पे भी पहन सके, साड़ी पे भी पहन सके और साथ में जीन्स पे भी चल जाए, तो हम लोगों को सबसे अच्छे ये लगे। इसका जो फ्रंट का जो प्रिंट है वो काफी अच्छा है और इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट है, यहाँ से भी सॉफ्ट है, और सबसे अच्छे है कि आप ना इनको इजीली पहन सकते हो। तो इसका पूरा लुक कुछ ऐसे दिखता है, बैक से ये ऐसे है और ये फ्रंट से ऐसा है, और उनको लेजर्स वाले नहीं चाहिए थे, सिंपल चाहिए थे, तो वो उसी हिसाब से बिल्कुल सिंपल है। और इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, ये भी 699 का था, मतलब 7000 का था, तो ये भी हमको 28 अराउंड पड़ा था, और बाकी मैं इसकी लिंक डाल दूंगी आप देख लेना। बाकी है मम्मा के ना, यस। तो नेक्स्ट ये शूज है मम्मी के लिए, मम्मी के पास ना एक स्केचर्स के शूज है जो पिंक कलर के हैं, तो उनका भी यही था कि उनको लेजर्स नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम आती है बांधने में, तो इसमें सबसे अच्छी चीज थी आप यहाँ से और यहाँ से इसकी ग्रिप बना के आराम से इसे पहन सकते हो, वरना मम्मी के पास जो स्केचेस में वो स्लाइड वाले हैं कि आप उसमें डायरेक्ट पैर, मतलब ऐसे डायरेक्ट पैर घुसा के और उसको पहन सकते हो, तो उनके लिए बहुत ईजी थे। इसका सोल भी बहुत कम्फर्टेबल है, आप इसका सोल देखो, इसका फ्रंट लुक देखो, ब्लू में एक हल्का सा पिंक का हिंट के साथ ब्रांडिंग और उसकी एक स्ट्रिप है, तो काफी अच्छा लग रहा था। पीछे से इसका ऐसा सोल है, और ये जो है ये हमको पड़ा था सेम 6000 में पड़ा था, तो इसकी प्राइस 2200 अराउंड है, तो ये हमें 22 के पड़े थे। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे वाले शूज जो ज्यादा स्पेशल है, यार अपने तो अपने होते हैं ना शूज। चलो ठीक है, तो मैं आपको पहले अपने ये शूज दिखाती हूँ जो कि मैंने बहुत अलग अपनी चॉइस से लिए हैं। ये देखो ये कितना कूल है, एक्चुअली मेरे सारे आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। मेरे पास एक ना कलरफुल मैं अभी शर्ट लेके आई थी, उसके साथ तो मैंने सोच भी लिया कि मुझे यही पहनना है, तो यहाँ पे ये ग्रे कलर से है, यहाँ पे ब्लू नियॉन सारे कलर्स हैं, काफी मल्टी शेड है, तो ये तो मैंने पहन के देखा था, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका फिट बहुत अच्छा था, कम्फर्टेबल था। अब जो सबसे बड़ी चीज है ये आगे से नैरो है, तो इसमें मुझे एक साइज बड़ा लेना पड़ा, वैसे मेरा फोन नंबर साइज अगर मैं नॉर्मल लेती हूँ तो, बट क्योंकि ये आगे से नैरो है तो मुझे एक साइज बड़ा लेना पड़ा। तो अगर कोई नैरो शूज लेते हो तो कोशिश आप ये करो कि आप एक साइज बड़ा लो, वरना वो आपको यहाँ से टाइट रहेगा, तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे उस चीज में। तो मेरा पहला शूज ये है, इसके मैं प्राइस बता देती हूँ, आई थिंक मेरे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है सब में, मतलब सबसे ज्यादा।
ये मेरा 8000 का है, तो ये मुझे आई थिंक 32 और 35 के अप्रोक्स पड़ा था, बट ये इतने प्यारे है ना कि मेरा ना एक बार में दिल आ गया इनपे। और दीदी साथ गई थी तो यू नो शॉपिंग इजी हो जाती है, मैं तो कर नहीं सकती वरना अकेले। सो ये एक, ये मेरे एक नहीं है, बाकी सबका एक एक है, मेरे दो है क्योंकि मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। जो सेकंड शूज है वो ये ब्लैक कलर के हैं क्योंकि ये मुझे डेली पर्पज से चाहिए थे। मैं वाइट डेली नहीं पहन सकती, उनको वॉश करना, उनको क्लीन करना, मैं थोड़ा इस चीज में बहुत आलसी कह सकते हो, मैं हूँ थोड़ी सी, तो मैंने सोचा एक ब्लैक ले लेते हैं, उसको इतना केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन केयर तो करनी होगी। तो ये कुछ ऐसा है ब्लैक के साथ पिंक का हिंट, जैसे मम्मा का ब्लू था उसमें लेस नहीं थे, ये लेस के साथ है, बस ये डिफरेंस है। इसका भी सोल काफी अच्छा है और ये इसमें भी मेरे साथ सेम सिचुएशन थी कि मैंने ये एक साइज बड़ा लिया है। इसका जो प्राइस, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, इसका प्राइस है 5499, मतलब 5500 का है। तो ये तो मुझे चेक करके आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इतनी मैथ्स नहीं लगा पाऊंगी मैं जल्दी जल्दी, तो मैं आपको सारे कमेंट सेक्शन में डाल भी दूंगी, पिन कर दूंगी सबके लिंक्स अगर मुझे ऑनलाइन मिल गए। बाकी मैं फैक्ट्री आउटलेट, अगर आप जयपुर से हो तो मैं वहां का एड्रेस डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो क्योंकि वहां थोड़ा सस्ता मिल जाएगा यार, 500-600 रुपए भी बहुत मैटर करते हैं बचाने के लिए। तो ये थी आज हमारी सारी शॉपिंग, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।